समर सीजन में ग्लोइंग फेस के लिए फेस पे हमेशा आपके ग्लो रहे, चमक रहे और मेकअप करने पे भी बहुत ज़्यादा आपको पसीना ना हो, ऐसे में आप अपने फेस का केयर कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आज आपको सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगी जो कि अगर आप रेगुलर वे में फॉलो करते हो तो आपको कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन आपका चेहरा हाइड्रेट रहेगा और चेहरे पे आपके चमक रहेगी और चेहरा आपका बिल्कुल खिला खिला सा दिखेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 5 टिप्स मैं क्या यूज़ करती हूँ डेली वे में, ना कोई क्रीम ना ही कुछ एक्स्ट्रा। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है कि कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ करूँ। जब कुछ खास रहता है तभी मैं एक्स्ट्रा अपने चेहरे पे या कुछ पार्टी वगैरह में ही मेकअप करती हूँ, नहीं तो मैं डेली जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से ही, उन्हीं सब चीज़ों से अपना फेस का केयर करती हूँ जो थोड़ा टाइम मिलता है अपने बेबी से। तो कौन सी 5 टिप्स है इस समर सीज़न में जो मैं फॉलो करती हूँ, और आप देख सकते हैं मैं फेस पे कुछ भी ऐसा नहीं लगाई हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ। तो उसी चीज़ को मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि आप अपने फेस पे अगर चाहते हैं कि ग्लो बना रहे गर्मी के सीज़न में, बहुत ज़्यादा पसीना ना हो, कहीं आप पार्टी में मेकअप भी कर रहे हो, तो जो डेली वे में ये जो मैं आपको रूटीन आज बताऊँगी 5 चीज़ें अगर फॉलो करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और फेस आपका ग्लोइंग दिखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीन टी। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी 5 टिप्स हैं जो हमारी ग्लोइंग फेस के लिए समर सीजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ, और बेबी से रिलेटेड जितने भी मेरे एक्सपीरियंस हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको बेबी से रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियो सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 टिप्स है ग्लोइंग फेस के लिए, सबसे जरूरी है आपको पहले नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि खूब ज़्यादा पानी पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के सीज़न में आपको पानी पीना चाहिए, चाहे वो पानी आप पानी का अल्टरनेटिव जूस, फ्रेश जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या जो भी पानी से रिलेटेड छाछ पी सकते हैं, यानी लिक्विड चीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप अपने डेली डाइट में यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। सबसे 1 नंबर पे यही है कि अगर आपको अपना फेस पे ग्लो रखना है, ग्लो आपके बना रहे चेहरे पे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी या लिक्विड वाली चीज़ को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और इससे आपके चेहरे पे वो जो हाइड्रेशन है वो कमी नहीं होगी, हाइड्रेट रहेगा आपका चेहरा, और डिहाइड्रेट होने से हमारे फेस पे वो चीज़ दिखने लगता है, थकान जैसे लगना लगता है और बहुत सारा पसीना होने लगता है, हमेशा चेहरे पे झुर्री जैसे दिखने लगती है। तो ये सब आपका दूर हो सकता है सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लिक्विड वाली चीज़ें अपने डाइट में यूज़ कीजिए, तो देखिए आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि रोज़ वाटर का यूज़ कीजिए। रोज़ वाटर यानी जैसे ही आप फ्रेश सुबह में नहा धो के आ जाते हैं तो नहाने होने के बाद आप ज़रूर रोज़ वाटर अपने फेस पे लगाइए और कुछ लगाइए। मैं डेली घर पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जब मुझे कहीं जाना रहता है या कुछ पार्टी वगैरह रहता है तभी मैं फेस पे कुछ लगाती हूँ। तो मैं डेली अपने यूज़ में रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर को आप कॉटन में डीप करके या कॉटन में लगा के, या फिर आपके पास स्प्रे है रोज़ वाटर का तो स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मैं कॉटन में करके लगाती हूँ इसको। तो कॉटन में लगा के अच्छे क्वालिटी का, मैं दिव्य का यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर, तो दिव्य या जो भी आपको सही लगे उसमें, मतलब ज़्यादा कुछ मिलावटी ना रहे, तो अच्छा सा रोज़ वाटर आप ले लीजिए और रोज़ वाटर डेली अपने फेस पे कॉटन में लगा के यूज़ करिए। इससे भी आपके चेहरे पे ग्लो बना रहेगा। उसके बाद आप कुछ लगाइए या ना लगाइए, तो पहला चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी का अल्टरनेटिव जो भी है, यानी लिक्विड चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं लिक्विड में वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि रोज़ वाटर का यूज़ कीजिए। तीसरी चीज़ है गर्मी में आइस से अपने फेस का मसाज करिए। अगर आपके पास टाइम है तो
थोड़ा टाइम अपने स्किन पे जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्किन जब आपको अपने से ही अच्छा लगता है कि हाँ मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है तो अच्छी फीलिंग आती है। तो इसलिए ग्लोइंग फेस रखने के लिए आप अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो आइस क्यूब ले लीजिए और उसको अच्छे से किसी टॉवल में मोटे कपड़े में रख के और अच्छे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए उसके बाद से, और छोड़ दीजिए। फिर देखिए उसका कमाल, आपका फेस पे ग्लो बना रहेगा। और अगर आप मेकअप कभी करते हो, कभी कुछ पार्टी है, तो उससे पहले अगर आप फेस पे आइस से मसाज लेते हो और उसके बाद आप मेकअप करते हो तो काफ़ी देर तक आपका मेकअप जो है वो मेंटेन रहेगा और मेकअप ख़राब नहीं होगा और चेहरे पे आपके डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी और चेहरा खिला खिला दिखेगा। तो ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है कि आप दिन में कई बार अपना चेहरा धुलते रहिए ताजे पानी से, यानी जब भी आपको टाइम मिले तो आप मान लीजिए सो के उठते हैं तो आप फेस अपना वॉश कर लेते हैं ताजे पानी से, लेकिन गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी पीने के साथ साथ आपको जब भी समय मिले तो आप अपना चेहरा जो है वो साफ पानी से, ताजे पानी से धुल लीजिए। और धुल के उसको टॉवल से तुरंत पोछिए नहीं, उसकी बूंदों को फेस पे रहने दीजिए। वो जितने भी बूंदें हैं वो धीरे धीरे जब आपके चेहरा जो है वो सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो ये चौथी टिप्स हो गई। पांचवी चीज़ है कि आप भरपूर नींद लीजिए, यानी चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही से सोते नहीं हैं तो वो हमारे फेस पे दिखता है, ये पता चल जाता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो फिर हमारा चेहरा अजीब सा लगता है देखने में, थकान जैसे लगता है चेहरे पे, कितना भी आप मेकअप कर लीजिए तो जैसे लगता है कि आप सोए नहीं हो काफ़ी दिन से। तो इसलिए भरपूर नींद लीजिए और भरपूर नींद के साथ जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उनको अपने डाइट में यूज़ कीजिए। फिर देखिए यही पांच टिप्स मेरे थे जो कि मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर ग्लोइंग फेस रखना है गर्मी के मौसम में तो आपको ये पांच चीज़ें करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, खूब ज़्यादा पानी पीजिए, पानी की जगह पे अगर आप पानी कम पीते हो तो उसके जगह पे छाछ ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, तो कई सारी चीज़ें पानी की अल्टरनेटिव भी हैं। अगर आप सादा पानी पीना नहीं पसंद करते हो, बहुत लोग को सादा पानी नहीं अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब लिक्विड चीज़ें आपको लेनी ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि आपको रोज़ वाटर यूज़ करना है अच्छे क्वालिटी का। मैं दिव्य का यूज़ करती हूँ, आप जिस क्वालिटी का यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ कितनी क्वांटिटी में उसमें मिला हुआ है ये चेक करके तभी लीजिए, रोज़ वाटर को कॉटन में मिला के लगाइए। तीसरी चीज़ है कि आइस से आपको जब भी टाइम मिले तो आइस से दिन में एक बार या दो दिन में एक बार या तीन दिन में एक बार, लेकिन आइस से मसाज करिए। और मेकअप करने से पहले तो आइस से मसाज एक बार करके फिर देखिए मेकअप करने का कमाल, कि आपका मेकअप ज़्यादा देर तक बना रहेगा और ख़राब नहीं होगा। मेकअप ज़्यादा देर तक बनने की वजह से आपका मेकअप डाउन नहीं होगा। चौथी चीज़ है कि आपको एक दिन में कई बार जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने फेस को वॉश करिए साफ पानी से, ताजे पानी से, और उस पानी से धुलने के बाद उसको तुरंत पोछिए नहीं टॉवल से, उसके पानी की जो बूंदे हैं अपने फेस पे रहने दीजिए। वो जैसे जैसे आपके फेस आपका फेस एब्जॉर्ब करेगा पानी के बूंदों को तो आपका चेहरा हाइड्रेट रहेगा और चेहरे पे वो निखार आएगा, ग्लोइंग चेहरा दिखेगा आपका। तो और उसके बाद से कुछ देर के बाद आप पोछ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आप धुल के और वैसे ही छोड़ दीजिए। कहीं जाना रहे तो भाई तुरंत पोछना पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर पे रह रहे हैं तो ताजे पानी से मुंह धुलने के बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो बूंदे अपने आप चेहरा सोख लेगा और फिर आपका चेहरा ग्लोइंग दिखेगा। पांचवी चीज़ है भरपूर नींद लीजिए, जितना सोना चाहिए एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटा आपको सोना ही चाहिए। 6-7 घंटे नींद लेने के साथ साथ हरी साग सब्जियां खाते रहिए, फिर देखिए आपका स्किन ग्लो करेगा, चेहरा ग्लो करेगा। तो ये थे मेरे 5 टिप्स जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ, मुझे सही लगा मेरा ये अनुभव तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे जो मेरे वीडियो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।